ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आज अगर आप इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में देखेंगे तो नॉच डिस्प्ले वाले फोन्स का काफी क्रेज हो चुका है। लगभग सभी स्मार्टफोन कंपनीज आपको कम से कम दाम में नॉच डिस्प्ले मुहैया करवाने की कोशिश कर रही हैं और इसी कैटेगरी में हाल ही में हुआवे भी जुड़ चुकी है और कंपनी ने पेश किए अपने दो नए स्मार्टफोन यानी P20 Pro और P20 Lite। पर क्योंकि P20 Lite बेहद ही कम दाम में नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, इसलिए इसने काफ़ी सुर्खियां बटोर रखी हैं। तो चलिए आज इस रिव्यू में देखते हैं कि क्या यह फ़ोन इन सुर्खियों के लायक है या नहीं। अब जैसे ही आप Huawei P20 Lite को पहन नजर में देखेंगे तो आप डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूज तो जरूर होंगे, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन एक्चुअली में काफ़ी हद तक iPhone 10 की तरह लगता है। इसके बैक साइड पर आपको ग्लास मिलेगा और फ्रंट में iPhone 10 जैसा ही नॉच डिस्प्ले दिया है जो कि बेहद ही मिनिमम बेजल्स के साथ आता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो इसका नॉच है वो iPhone 10 से छोटा है और जो नीचे की तरफ बेजल दिया है वो भी थोड़ा बड़ा है, जिस पर कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। साथ ही साथ इसके बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि iPhone 10 में मौजूद नहीं है, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर सुपर एक्यूरेट है, टच मात्र से ही फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फ़ोन का साइज़ भी लगभग iPhone 10 जैसा ही है, जिस वजह से ये एक हैंडी फ़ोन है और काफ़ी हल्का भी है। Huawei P20 Lite में आपको मिलता है 5.84 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस पर किसी भी ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई, पर इसका डिस्प्ले बेहद ही ब्राइट है, वाइब्रेंट है और शार्प है, और आप इसे तेज़ धूप में आसानी से यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप इसको अंधेरे में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी ने इसमें रीडिंग मोड मुहैया करवाया है। पर यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप इस फ़ोन में अपने वीडियोस लाउड स्पीकर पर देखेंगे तो आप थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि हमें इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, Huawei P20 Lite में दिया है कंपनी का खुद का चिपसेट यानी हाई सिलिकॉन किरिन 659 विथ 4GB ऑफ रैम, जो कि आपने ऑनर 9 Lite में भी देखा है, और इस चिपसेट को लगभग स्नैपड्रैगन 625 के बराबर माना गया है। पर ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन आपको निराश करेगा, इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बेहद ही स्मूथ है और डे टू डे लाइफ में भी बिल्कुल लैग नहीं करता। इनफैक्ट आप इसमें हैवी ग्राफिक गेम्स भी आसानी से चला पाएंगे। साथ साथ इस फ़ोन में आपको मिलती है 64GB की इंटरनल स्टोरेज जिसको आप हाइब्रिड सिम स्लॉट के जरिए एक्सपैंड कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर जो हमें थोड़ी सी निराशा वाली बात लगी वो ये है कि इसमें आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी जो कि हमारे वीडियो लूप टेस्ट में लगभग 10 घंटे तक सर्वाइव कर पाई। यानी अगर आप हैवी यूज़र हैं तो इस बैटरी से आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। पर आपको बता दूँ कि इस फ़ोन में आपको टाइप सी USB पोर्ट मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इस फ़ोन में आपको अच्छा कैमरा भी मिलता है। जी हाँ, Huawei P20 Lite में दिया है 16MP प्लस 2MP का डुअल रेयर सेंसर विद f2.2 अपर्चर, और जब हमने इस फ़ोन के कैमरा को इसी प्राइस रेंज में आने वाले Oppo F7 से कंपेयर किया तो हमने नोटिस किया कि दोनों ही फ़ोन्स आपको लगभग सेम पिक्चर क्वालिटी मुहैया करवाते हैं। हालांकि Oppo की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा सैचुरेटेड आती है, पर चाहे क्लोजअप शॉट हो या फिर लॉन्ग शॉट हो, दोनों ही सेम डिटेलिंग देते हैं। पर क्योंकि इस फ़ोन का अपर्चर ओप्पो से ज़्यादा है, इसलिए लो लाइट सिचुएशन में ये थोड़ी कम रोशनी कैप्चर करता है, पर अदरवाइज डिटेलिंग के मामले में दोनों ही सेम है, और ये हम आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर Huawei के पास भी एक एडवांटेज है, और वो ये कि डुअल रेयर कैमरा होने की वजह से इसका बोके इफेक्ट बेहद ही शानदार आता है। वहीं बात की जाए फ्रंट कैमरा की तो Huawei P20 Lite में आपको मिलता है 24MP का फ्रंट शूटर जबकि Oppo F7 में दिया है 25MP का फ्रंट कैमरा, और इस सेगमेंट में भी दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सेम साबित होते हैं। हालांकि यहां पर भी लो लाइट सिचुएशन में Oppo बहुत ही ज़रा से मार्जिन से ही सही, लेकिन Huawei से आगे निकलता है। सॉफ्टवेयर वाइज Huawei P20 Lite एकदम अपग्रेडेड है। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो जिस पर कंपनी के खुद के UI EMUI 8 की लेयरिंग दी गई है, और ये कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि राइड मोड जिस पर आप अगर एक बटन दबा देंगे तो आपका फ़ोन बाइक मोड पर चला जाएगा, यानी जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो उसको एक नोटिफिकेशन जाएगी कि आप बाइक चला रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं मोशन कंट्रोल्स और फेस अनलॉक मोड जो कि इतना एक्यूरेट है कि कम रोशनी में भी आपके फेस को रीड कर लेता है।
इनफैक्ट अगर आप चश्मा पहने या फिर टोपी भी पहन लें तब भी ये आपके फेस को डिटेक्ट कर पाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप आंखें बंद करके इसके फेस अनलॉक फीचर को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, जिस वजह से आपका फ़ोन कभी मिस यूज़ नहीं होगा। अब इस फ़ोन के सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखने के बाद अंत में सवाल आता है कि क्या 19,999 रुपये में इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दूं कि इस फ़ोन का मुकाबला इसी प्राइस रेंज में आने वाले ओप्पो F7 और वीवो V9 से है और उनके हिसाब से ये फ़ोन किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो या डिज़ाइन। इनफैक्ट इसका डिज़ाइन आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी हद तक आईफोन 10 की तरह लगता है। पर फिर भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसकी कीमत थोड़ी सी और कम होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे इसका बैटरी बैकअप पसंद नहीं आया और अगर आप हैवी यूज़र हैं तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपको थोड़ा निराश कर सकता है। पर एनीवे, ये तो था Huawei P20 Lite का डिटेल रिव्यू। अगर आपको फिर भी इस फ़ोन को लेकर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में रखें, मैं उसे जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।